शुगर कैलकुलेट द मोलर मास एंड काइंड ऑफ रिमेम्बर इट ऑल्सो, थोड़ा बहुत अगर रख सको तो ठीक है. Keep providing some oil to your rusted mind, ठीक है. तो आपका N by 2 और N by 2 सेम होगा ही नहीं क्योंकि H2SO4 है. मोलारिटी नॉर्मैलिटी सेम होगी नहीं, तो बचा ऑप्शन सी. सो सी इज द करेक्ट आंसर. अदरवाइज सॉल्व करने के लिए मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ. तो दैट 2 माइनस एक्स इंटू द नॉर्मैलिटी एन इंटू बी हो गया, प्लस एक्स इंटू 0.1 ये भी एन इंटू बी हो गया. द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी फाइनली एन टू इंटू वी टू, दैट विल बी एन. बट बिफोर वी बिगिन, विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे. यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड जेई बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में. डाउनलोड कीजिए iitwalebaba ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. Then let's quickly take up some more questions. ये वाला समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करा हुआ था. तो एटॉमिक मास एक नंबर देने के बजाय आपको सिर्फ बता रखा था वो z प्लस 2 है, z माइनस 1 है और टोटल एवरेज इतना. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता होगा किस पार्ट में क्या दे रखा है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अगेन वेरी सिंपल. Do it. Dry air has a composition. अब इसके अंदर ना एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक यूनाइटेड ड्राई एयर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास 20% ऑक्सीजन है और हमारे पास 80% नाइट्रोजन है. उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालो, सेम फॉर्मूला, ठीक है. एवरेज अब समझो कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा एयर है, सिर्फ समझ लो. और उसके अंदर एक जो है हमारा आइसोटोप, जैसे हमने पहले एक आइसोटोप और दूसरा आइसोटोप माना था, एक को मान लो वो ऑक्सीजन है, दूसरे को मान लो वो नाइट्रोजन है. तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट, दैट विल बी 20/100 इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज दैट, 32 प्लस यू विल हैव प्लस 80% ऑफ नाइट्रोजन. सो 80/100 इनटू 28 and you have to calculate this, okay. Now calculate it quickly. The answer is very good. The first answer that has come is 28.8, so that's option number A. So done. I could have put the answers in all of them, but then 28.8. अगर किसी के पास 20s में आंसर आना शुरू हो तो प्लीज टाइम ही मत वेस्ट करो, ऑप्शन से एक नजर जरूर मारा करो. फाइनल आंसर में यहाँ पे किसी ने नहीं चेक करना कि आपने फाइनल करेक्ट आंसर निकाला है कि नहीं निकाला. यू नो द मेथडोलॉजी, आंसर पे जैसे ही पहुंचने लगो एक ऑप्शंस में नजर जरूर मारो. सो यू नो दैट देयर इज नो अदर व्हिच इज नियर बाय. अगर 21 24 28 30 दे रखा होता तो आप कैलकुलेट करते एग्जैक्टली. नाउ यू आर गेटिंग समवेयर इन 20, सो जस्ट 28.8, ओके. दैट्स लाइक जस्ट टू कट शॉर्ट द टाइम, आई मीन फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन. Let's take up questions now. We've done so many concentration terms, and let's just quickly revise all the concentrations and whatever we've done till now by just doing some questions quickly, and then we have just 2-3 more concepts to just revise. Take up the first question. Calculate the percentage composition by mass. तो सबसे पहले percentage composition निकालनी है. और remember percentage composition क्या होती है, सुन लो पहले. जैसे अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें दे रखा है शुगर का, तो दैट विल बी जितना मास है शुगर का अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. और अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन है मेरे वाटर का, तो दैट विल बी जितना मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. तो वो तो बड़ा इजी है, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास. पहले पहला पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट विल दैट बी, 1000 अपॉन 3000. Why? Because you will have to calculate the mass of the solution. And what is the mass of the solution? 2000 plus 1000. So that will be equal to your 1000 upon 3000 for sugar and 2000 upon 3000 for water. And calculate it in decimals. And then the next part. Into 100, you have to give it in percentage. So 1000 upon 3000 into 100,
and 2000 upon 3000 in 200. So please take care of that, that if the percentage composition is asked, please multiply it with 100 also. Thank you. Okay? So just remember percentage composition clear. सबसे पहला बेसिक हमने यही किया था. उसके बाद नेक्स्ट निकालना है मोल फ्रैक्शन. नाउ मोल फ्रैक्शन मतलब शुगर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. एंड व्हाट इज योर शुगर? आप ग्लूकोज खाते हो रोज? C6H12O6 इज योर ग्लूकोज. योर C12H22O11 इज योर शुगर. कैलकुलेट द मोलर मास एंड काइंड ऑफ रिमेम्बर इट ऑल्सो. थोड़ा बहुत अगर रख सको तो ठीक है. कीप प्रोवाइडिंग सम ऑयल टू योर रस्टेड माइंड्स, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर ऑयलिंग देते रहोगे तो फिर वो चलता ठीक से रहेगा. 342, वेरी गुड. सो द मोलर मास इज 342. तो अब मोल फ्रैक्शन निकल आएगा. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर? दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ water. What is number of moles of sugar means? Given mass. What is your given mass? 1000 divided by 342 divided by 1000 apna n of sugar plus 1000 divide nahi 2000 sorry 2000 divided by 18. So you can calculate that. You have to be quick in calculations. Like this will be somewhere around 2.92. I have already calculated it. So 2.92 plus it will be like 2.92. So you can just calculate the mole fractions also. Can we move on to the next question now? Kisi ko koi doubt hai? Any doubts to anyone? पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमने मोल फ्रैक्शन निकाला और परसेंटेज वो परसेंटेज कंपोजिशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास ऑफ MgCl2 दैट शुड बी डिसॉल्वड इन 750 ग्राम्स. द मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड हमें बताना है. कितना मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? तो मतलब गिवन मास हमें पता ही नहीं है. हैज टू बी डिसॉल्वड इन 750 ग्राम्स ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू मेक इट 1.05 मोलाल. मोलालिटी का हमने मोलाल उठाया है यहाँ पे. दैट इज लाइक 1.05 मोलाल. एंड व्हाट इज योर मोलालिटी? रिमेंबर इट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. यू आर गिवन द मास ऑफ द सॉल्वेंट 750 ग्राम्स गिवन है. तो केजी में कन्वर्ट कर लोगे दैट विल बी 750 अपॉन 1000 दैट विल बी 3/4 दैट 0.75 व्हाटएवर यू वांट टू राइट. सो यू आर गिवन 1.05 मोलर. यू हैव टू फाइंड आउट. अभी यहां पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता. तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 750 अपॉन 1000. ठीक है, यहां तक क्लियर? सिंपल, मैंने सब्स्टिट्यूट करा है. अब हमें बताना है कितना मास होना चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड का. दैट मींस गिवन मास कितना है ये हमें नहीं बता रखा. पर हमें गिवन मास नहीं पता अगर, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? दैट्स गिवन मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास. मोलर मास ऑफ MgCl2 कैन बी फाउंड, राइट? यू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ MgCl2. दैट्स अराउंड 95. So I'm not wasting time. You can always find out the molar mass. You all know how to do it. So what we have is, you were given the molality. हमने सिर्फ molality का formula लगाया है. Molality is equal to number of moles upon mass of the solvent in kilograms. तो हमने molality लिखा. That's 1.05 molal, and that is equal to W upon 95. The whole upon the mass of the solvent in kilograms. And from here you can easily find out your mass. You can? Can we proceed to the next question? And we can do it also quickly if you want. What is the answer? You should give it by now. The correct answer given is like 74.8. Alright? Good. Then the next question. Okay.
दिस क्वेश्चन. अब डेंसिटी देखते ही 10x डी अपॉन एम नॉट मत सोचना, थोड़ा सा कई बार टाइम भी लगाना पड़ता है क्वेश्चन में. व्हाट वी हैव इज वी आर गिवन, ओके लेट्स चेक अप, हो सकता है जरूरत पड़े. 49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन. तो हमारे को बता रखा है कि 49 ग्राम्स इज द गिवन मास. सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98, इक्विवेलेंट मास 49, ठीक है. तो 49 ग्राम्स इज गिवन एंड दैट मेक्स 1 लीटर. तो वॉल्यूम तो 1 लीटर है, तो नीचे डिनोमिनेटर का तो प्रॉब्लम खत्म. ऑफ डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन, लेट्स सी क्यों दे रखी है. फाइंड मोलैरिटी, यू कैन फाइंड आउट द मोलैरिटी. इसके अंदर आपको परसेंटेज नहीं गिवन, तो 10x d अपॉन m नॉट की जरूरत नहीं है. इफ यू आर आस्क्ड मोलैरिटी, मोलैरिटी इन दिस केस इज लाइक गिवन मास. व्हाट इज गिवन मास? 49 अपॉन मोलर मास, व्हाट इज दैट? 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट्स 1, राइट. तो इसके अंदर क्योंकि परसेंटेज नहीं गिवन, बताओ, डू यू वांट मी टू रिपीट इट? सो दिस विल बी इक्वल टू 0.5. So, or 1/2 m, ठीक है, m by 2. Options देखो, m by 2 किसमें? ये वाला option गया, ये वाला option गया. हमारे पास अब हैं दो options 50-50 में, right? Two options gone completely. Now let's check on to the next one. Obviously, please देखो इस चीज को समझ लो. अभी मैं slowly बता रही हूँ, नहीं तो exam में you have to apply your mind quickly. Molarity सबको निकालनी आती है. Molarity is a simple concept. Molarity is a simple concept. What is your molarity? That is given mass upon molar mass upon volume of solution in liters. अब यहाँ पे density देखते ही don't jump 10x d upon m naught. हमें आता है नहीं. Read the question carefully. 49 grams given है. Percentage x वाला नहीं given. So what you have is 49 grams of sulfuric acid is given. Molar mass आपको पता है. Volume आपको given है. तो molarity is equal to given mass upon molar mass upon volume of solution in liters. That's equal to m by 2. जैसे ही आपका m by 2 निकला molarity, what you basically have here is पहला option गया, d option गया. एक b and c are the only one left. Next normality work कर लो. Molarity normality तभी same होंगे जब हमारा x factor will be equal to 1. So here in this case you have this option also gone completely. तो solve आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी exam में. Subjective paper में yes you find out all the three. But in objective paper, do not solve each and every part. Use your common sense along with your intelligence. ठीक है? तो आपका m by 2 और n by 2 same होगा ही नहीं क्योंकि H2SO4 है. Molarity, normality same होगी नहीं, तो बचा option C. So C is the correct answer. Otherwise, solve करने के लिए मैं solve करके दिखा देती हूँ. Normality is equal to in this case 2 into molarity which is m by 2. So it will be 1 normal or simple n. And your molality, molality will be equal to what? That will be number of moles of sulfuric acid. जैसे अगर molality निकालनी है, that will be equal to what will it be? हाँ, यहाँ पे molality के लिए वैसे तो question हमारा solve हो चुका है, लेकिन molality फिर भी निकालनी आनी चाहिए क्योंकि हो सकता है किसी question में direct molality पूछी हो. तो इसी question को हम use कर लेते हैं. आपको density given है, ठीक है. What is the density given? That is, density is given as 1.049 grams per cc. ठीक है, इसका मतलब मेरा कितना total solution का mass है, इतना gram in milliliter, एक milliliter में मेरा इतना gram solution का है. बात समझ में आ रही है? Density का मतलब इतने gram एक ml में. तो अगर मेरे को 1 लीटर में निकालने हैं, यानी कि 1000 ml में निकालने हैं, तो 1 मिलीलीटर में इतना, तो 1000 मिलीलीटर में कितना? दिस मल्टीप्लाइड विद 1000, व्हाट इज दैट? 104.9 ग्राम्स. ठीक है, 104.9 ग्राम्स. नाउ हियर द क्वेश्चन इज, कई बार आपको जैसे मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो उस केस में अब आपको क्या पता चल गया यहाँ से कि मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये किसका है मास? सॉल्यूशन का. और मुझे किसका चाहिए मास? सॉल्वेंट का. तो मेरा सॉल्यूशन वाले में से अगर मैं सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सॉल्यूट का कितना था? 49 ग्राम्स. तो 49 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आई विल गेट माई रफ मास. डू गेट इट?
दैट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट. अब नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, 49/98, ठीक है. और आपका एक रफली ये भी आपका निकल आया, सो देन यू कैन इजीली कैलकुलेट. डू यू गेट इट? वील टेक अप मोर क्वेश्चंस ऑन इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम. व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? जैसे अगर मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, से फॉर एग्जांपल इफ आई एम लाइक कैरिंग, हैव यू ऑल डन टाइट्रेशंस? नॉट ऑल ऑफ यू. सो नाउ हियर, अगर मेरा ए का कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है, ठीक है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी मुझे गिवन है, तो मेरा एक इक्वेशन होता है, दैट इक्वेशन इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी इक्वेशन, जिस पे आई विल जस्ट थ्रो लाइट ऑन इट. नॉर्मैलिटी इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2. मतलब अगर मैं एक लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ और उनको कुछ मिला मुलू के आई एम मेकिंग अनदर सॉल्यूशन, सो द नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम दिस पर्टिकुलर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट. डू गेट सम हैंग ऑफ इट? तो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो लेट्स चेक अप दिस क्वेश्चन एंड ट्राई एंड सॉल्व इट, एंड देन वील डिस्कस इट क्विकली आफ्टर दिस. HCl एसिड है हमारे पास ए एंड बी, एक का कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 और एक का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1. द वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी रिक्वायर्ड, हमें बताना है कितना वॉल्यूम ए का और कितना वॉल्यूम बी का इज रिक्वायर्ड टू मेक 2 liters ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl. तो इसका मतलब मुझे बताना है कि मुझे बनाना क्या है. लेट्स दिस बी 0.2 नॉर्मल बनाना है और कितना बनाना है, 2 liters. तो अब मुझे ये बताना है कि मैं ए और बी को कैसे मिक्स करूं कि मेरा 0.2 नॉर्मल 2 liters बन जाए. डिड यू गेट द क्वेश्चन? हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए किसी नॉर्मैलिटी का, नॉर्मैलिटी गिवन है 0.5. मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया 0.5 नॉर्मल, एक और सॉल्यूशन दिया दैट इज 0.1 नॉर्मल. अब दोनों को मिक्स करके मुझे बनाना है एक तीसरा, एक और नॉर्मल फाइनल सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स करके कि मेरा रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बने वो कितना बने, 0.2 नॉर्मल. क्वेश्चन समझ आ गया? सी प्रॉपर? यस. ओके, सो नाउ हियर व्हाट वी हैव इज, अब मेरे को 0.2 बनाना है, 0.2 नॉर्मल 2 liters. तो इसका मतलब मेरे पास गिवन क्या है, आई हैव 0.5 नॉर्मल है और मेरे पास 0.1 नॉर्मल है. तो n इंटू v करना है मुझे. तो 0.1 का मैं मान लो x वॉल्यूम लेती हूँ, क्योंकि कुछ वॉल्यूम मैं उसका डालूंगी, कुछ वॉल्यूम मैं उसका डालूंगी. मान लो इसका मैं x अगर वॉल्यूम डाल रही हूँ तो 0.5 का मैं कितना वॉल्यूम डालूंगी, 2 liters टोटल बनाना है. तो दैट विल बी 2 - x. और नॉर्मैलिटी इक्वेशन के हिसाब से एन नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम जो है वो बिफोर एंड आफ्टर टोटैलिटी में विल रिमेन अ कांस्टेंट. ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो फिर इस केस में मेरा 0.5 नॉर्मल का मैंने कितना डाला, मान लो 2.x, और मुझे यही बताना है कि मैंने 0.5 का कितना लेना है और 0.1 का कितना लेना है कि टोटल सॉल्यूशन मेरा 0.2 बने और कितना, 2 liters. तो मैंने क्या करा, मान लो 0.1 का मैं x वॉल्यूम डालती हूँ, x लीटर वॉल्यूम, तो मेरा 0.5 का कितना डलेगा, क्योंकि टोटल तो 2 लीटर ही बनाना है, तो 2 - x, तो दैट 2 - x इंटू द नॉर्मैलिटी n इंटू वी हो गया, प्लस x इंटू 0.1, ये भी n इंटू वी हो गया. द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी फाइनली n2 इंटू v2, दैट विल बी n, जो हमारी डिजायर्ड नॉर्मैलिटी है, इनटू वॉल्यूम. एंड यू जस्ट हैव टू सॉल्व फॉर x देन, एंड x विल टर्न आउट टू बी, जस्ट फाइंड आउट. डू यू वांट मी टू सॉल्व इट फॉर यू? x विल बी 1.5 और हमारा 0.1 क्या था, b था, a था, हमारा 0.1 था b, तो इसका मतलब 1.5 लीटर्स मुझे चाहिए बी का. ठीक है, तो अगर इसका 1.5 चाहिए तो ऑटोमेटिकली ए का कितना चाहिए,
0.5 ए. नाउ लेट्स चेक अप दी ऑप्शंस. ऑप्शंस इसमें चार ही गिवन है, टू हैव गॉन टू द अदर पेज. नाउ हियर सबसे पहले तो चेक करो कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, द टोटल वॉल्यूम इज नॉट 2 लीटर्स. अगर टोटल वॉल्यूम ही 2 लीटर्स नहीं है तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया. ठीक है, तो उस केस में वी जस्ट चेक इट. नाउ हियर द ऑप्शन इज ए बिकॉज 1.5 लीटर्स ऑफ बी हमने निकाल लिया है एंड यू हैव 0.5 लीटर्स ऑफ ए. ओके, देन हियर बिफोर आई मूव ऑन फर्दर देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू विद यू. वन इज लाइक अंडरस्टैंड द एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. मैं यहीं पे कॉन्सेप्ट बिकॉज नॉर्मैलिटी इक्वेशन सबको समझ में आई, N1V1 इज इक्वल टू N2V2. तो हम जब टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम ऊपर लेते हैं एसिड और नीचे क्या लेते हैं बेस. ठीक है, एंड बेस में हम एक इंडिकेटर डालते हैं. नॉर्मली फॉर एसिड एंड बेस द इंडिकेटर दैट इज यूज्ड इज फेनोफ्थेलीन. आप कैसे लेते हो, आप एक ब्यूरेट लेते हो. ठीक है, ब्यूरेट, सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग. देन यू हैव अ कॉनिकल फ्लास्क हियर, वेरी पुअर ड्रॉइंग बट डोंट गो ऑन इट. सो वॉट यू हैव इज आप यहाँ से और क्लैंप लगाते हो वो सब. ठीक है, क्योंकि हवा में तो लटकेगा नहीं, तो आई एम नॉट ड्रॉइंग द फुल ड्रॉइंग. वॉट यू हैव हियर इज लाइक एसिड एंड यहाँ पे आपका है बेस. सो रिमेंबर दैट द नॉर्मैलिटी इक्वेशन होल्ड्स गुड इन दिस केस ऑल्सो. आपको एग्जाम में क्या करेंगे, आप नॉर्मैलिटी मान लो एसिड की आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एसिड की नॉर्मैलिटी पता है Na. ठीक है, और नॉर्मली यू टेक एसिड इन द कॉनिकल फ्लास्क एंड बेस अबव. यू हैव बेस हियर एंड यू हैव एसिड हियर. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव इज यू नो द नॉर्मैलिटी ऑफ द एसिड. आप इसके अंदर एक नोन वॉल्यूम पिपेट आउट करोगे एक्सपेरिमेंट्स में. एक नोन वॉल्यूम मतलब 10 ml, 20 ml, 25 ml, जो भी आपके पास पिपेट होगा दैट विल बी एग्जैक्ट. टाइट्रेशंस में एक आध ml इधर उधर ऐसे नहीं चलता, एग्जैक्ट होना चाहिए. तो आपका नॉर्मैलिटी आपको एसिड का पता होगा और वॉल्यूम आपने कितना लिया है ये भी आपको पता होगा. ठीक है, उसके बाद अगर आपको बेस का नॉर्मैलिटी नहीं भी पता तो यूजिंग द नॉर्मैलिटी इक्वेशन यू विल हैव नॉर्मैलिटी ऑफ द बेस. दिस यू कैन फाइंड आउट बाय फाइंडिंग आउट कि कितना वॉल्यूम हमारा यहाँ से यूज हो रहा है टू टाइट्रेट इट. और मैं टाइट्रेशन क्विकली से बताती हूँ कि व्हाट यू हैव इज मान लो आपने 10 ml लिया, उसके अंदर आप एक इंडिकेटर डालोगे. HCl इज ऑल्सो कलरलेस. मान लो यू टेकिंग HCl एंड हियर यू आर टेकिंग NaOH. ठीक है, इफ योर HCl इज कलरलेस सॉल्यूशन, योर NaOH इज ऑल्सो कलरलेस. सो नाउ हियर इन दिस केस व्हाट यू हैव इज यू ऐड 1 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थेलीन ताकि आपको कलर चेंज पता चल जाए. जैसे ही टोटल एसिड हमारा न्यूट्रलाइज होगा यू विल गेट अ पिंक कलर. Fine with it? Clear? And what is the equation that we are using? The equation that we are using is the normality equation. NaVa is equal to NbVb. और exam में आपको acid की normality पता होगी, volume आप खुद निकालोगे तो आपको पता होगा आपने कितना लिया है, उसको neutralize करने के लिए कितना base use होगा. जैसे ही आपका pink color आएगा आप कहोगे neutralization हो गया, तो आप reading लोगे यहाँ से 10 ml use हुआ, 20 ml जितना भी use हुआ, उस volume को आप यहाँ लिखोगे और आपको क्या पता चल जाएगी, नॉर्मैलिटी ऑफ द अननोन बेस. सो नॉर्मैलिटी इक्वेशन इज यूज जनरली लाइक दैट. ओके, इन द मीन टाइम यू कैन जस्ट ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1. नाउ यू कैन फाइंड आउट. अभी मैंने आपको समझाया है कि अगर आपको डेंसिटी गिवन है 1.058 तो इसका मतलब 1 ml में 1.058 ग्राम्स है. तो 1 लीटर में कितना ग्राम्स होगा वो आप निकाल सकते हो. जब आपका वो निकल जाएगा तो फिर आप उस केस में अपना मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो. सो यू कैन इजिली फाइंड आउट द मोलैलिटी. देन वंस यू फाइंड आउट द मोलैलिटी, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. हाउ कैन यू फाइंड आउट द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, दैट विल बी यू कैन इजिली फाइंड आउट 1.05 इज ग्राम्स इन 1 ml एंड 105 व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद 1000 देन यू विल गेट योर मास इन 1 लीटर. सो यू कैन इजिली फाइंड आउट एंड दैट माइनस यू कैन सब्ट्रैक्ट 1 मोल. वॉट इज दैट 1 मोल, दैट इज 58.5. सो जस्ट डू दिस क्वेश्चन एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू कवर अप.
done with it? Do you want me to do it on the board? I'll just do it quickly. You have the density of NaCl given as 1.0585, that's grams per ml, and then you have that means your mass of solution. This is NaCl solution. The mass of solution will be equal to 1.058 into 1000. So you shift it by this, it becomes 1058.5, right? Grams. This is your mass of the solution. You are given 1 molar NaCl. If you are given 1 molar NaCl, that implies that what is your mass? Mass of 1 mole, that's 1 mole per liter. So mass of 1 mole of NaCl, that will be equal to 58.5. So you have, mass of solvent therefore is equal to 1058.5 minus 58.5, so that is equal to 1000 grams, and therefore your molality will be equal to number of moles, and what is the number of moles? That will be equal to 1 mole, right? Number of moles is equal to 1. Why? Because you are given 1 molar solution, or 1 molar solution means that it's 1 mole in 1 liter. So you have 1 mole upon 1000 grams means 1 kilogram. So 1 mole in 1 kilogram means what is your molality? 1 m. Done quickly. I repeat it again, the only catch here in this question is that when you are given the density of 1 molar solution of NaCl, remember that this density represents the gram of solution in 1 ml. Usse you can find out the mass of solvent. How? First, the mass of solution for 1 liter can be found by multiplying it with 1000. When you multiply it with 1000, you get the mass in 1 liter. And then when you actually check it out, mass of the solvent is what you require. And how can you find out the mass of solvent? That would be nothing but your mass of solution minus mass of solute. And what is the mass of solute? Because it's 1 molar solution means mass of 1 mole, that is 58.5, 23 plus 35.5, that will be 58.5. So the mass of solvent turns out to be 1000 grams. So in this case, this was a very simple question. Now something very importantly which is to be done. Say supposedly we talk about the mole concept throughout, and if I talk about any solute which has a formula of AXBY, okay, please pay attention to the board, all of you all look up. Now here what we have is AXBY. So we know how will they dissociate, how will they separate out, how will they dissociate? It will be X into A Y plus. Right? The charge on your this A will be your Y plus, and generally your cation is written in the front and your anion follows. So what you have is X times A, that will take care of the mass, and the charge will be Y plus, plus Y times B X minus. This is just a general equation, otherwise you will be able to solve the equations on your own also. Now here in this case, what is important is that molarity of, see, if I take a particular molarity of AXBY, then the resultant ionics, the resultant ions will also have their respective molarity. So in this case, what do you have? You have your molarity to be equal to molarity. Let's talk about molarity first of A ions, that is AY plus. In this case, the molarity will be equal to X times the initial molarity. Understand this concept very well. I am talking about a balanced equation which is AXBY, that gives you XAY plus plus YB X minus. Now here in this case, the molarity of AY plus will be equal to X into M. If the initial solution or the initial compound had the molarity M, the resultant, that means 1 mole of AXBY is giving you X moles of AY plus and Y moles of BX minus will be Y into M. Do you understand that? This is like an application of the mole concept. When you are writing down a balanced equation
and you have some initial molarity, then it will be x times the molarity of the initial one. So it will be x. So 1 mole of ax by is giving you x moles of ay plus and y moles of bx minus. Okay, and then for the normality, this is not the case. For the normality, as I told you, the normality of, if the initial normality is say n, then the normality of ay plus will also be equal to n and bx minus will also be equal to n, assuming that there is 100% dissociation. And remember, 100% dissociation will happen only when you will have a strong electrolyte. Okay, 100% dissociation will happen only when you have a strong electrolyte. Okay, then let me just talk about a concept. Say if, for example, I talk about H2SO4, you can quickly think about H2SO4. How does it dissociate? 2H plus plus SO4 2 minus. So in this case, what will you have? You will have 1 molar solution of H2SO4 will be equivalent to 0.2 molar H plus ions, and that will be equal to 0.1 molar SO4 2 minus. I think that makes the concept clear. Okay, and then when you talk about the normality, in normality what will you have? You will have 1 normal H2SO4 will be equal to 1 normal Sorry, if I take 0.1 molar, okay, if I take 0.1 molar of H2SO4, that will be equal to 0.2 molar H plus ions, and that will be equivalent to 0.1 molar SO4 2 minus. So for molarity, you need a balanced equation, but for normality, the normality of each of the dissociated parts and the original part will remain the same. Is that thing clear? Let's move on to the next concept then.